हेलो फ्रेंड्स, दिस वीक मार्केट अपडेट में मैं राहुल भुरके आपका स्वागत करता हूं। इस हफ्ते की कुछ ऐसी खबरें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हैं, मैं उन्हें आपके सामने रखूंगा। इस हफ्ते सेंसेक्स की शुरुआत 28,083 से हुई और 32,686 के हाईएस्ट लेवल को सेंसेक्स ने छुआ और फिर 32,325 के लेवल पर सेंसेक्स क्लोज हुआ। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस मिस्टर संतोष गंगवार ने एक रिटर्न रिपोर्ट में राज्यसभा को बताया कि 11.44 लाख से भी ज़्यादा पैन नंबर कैंसिल हुए, जहां पे एक से ज़्यादा पैन कार्ड सिंगल पर्सन को अलॉट हुए थे। सरकार ने नए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भारत 22 शुरू करने की घोषणा की। ये फंड 6 सेक्टर में निवेश करेगा जिसमें 22 स्टॉक्स होंगे। ICICI प्रूडेंशियल AMC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एस नरेन का कहना है कि शेयर बाजार जब रोज नए रिकॉर्ड बना रहा हो तब एसेट एलोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा, शेयर बाजार अभी पीक पर नहीं पहुंचा है और इसमें कुछ साल का समय लगेगा। कई सेवाओं के लिए अनिवार्य कर दिए गए आधार के बिना अब मृत्यु पंजीकरण भी नहीं हो सकेगा। 1 अक्टूबर से मृतक को पंजीकरण करने के लिए उसकी पहचान के रूप में आधार की आवश्यकता होगी। रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इस वर्ष ही अपनी सबसे बड़ी मजबूती दर्ज करते हुए 37 पैसे सुधर कर 63.70 रुपये प्रति डॉलर पे आ गया। GST नेटवर्क के CEO नवीन कुमार ने गुरुवार को कहा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत पहला टैक्स रिटर्न शनिवार से भरा जा सकता है। यह सुविधा 20 अगस्त तक खुली रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 0.25% से रेपो रेट कम कर दिया, जिसका इम्पैक्ट रिटायरीज और उन सभी इन्वेस्टर पे होगा जो FD में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि FD के इंटरेस्ट रेट और भी कम होने की संभावना है। तो दोस्तों, दिस वीक मार्केट अपडेट में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।